हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेन इंक्वायरी पर। आज मैं कोटकपूरा रेलवे स्टेशन पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ। OH इंस्पेक्शन वैन जो है स्मूथनेस चेक कर रही है 3 नंबर लाइन जो कोटकपूरा के 1 नंबर प्लेटफॉर्म और गुड्स यार्ड की तरफ पड़ती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। सामने आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं जो कि नया बनाया जा चुका है, पुराने वाले को यहाँ से हटा दिया गया है। एक बड़ा ब्रैकेट आप सामने देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। ये एक ब्रैकेट से जो है वो 5 लाइनों को OH सप्लाई दी जाएगी। 4 नंबर लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वर्कर लगे हुए हैं, यहाँ पर वायरिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ अभी कोई जो है काम फाइनल स्टेज में नहीं हुआ है। मेरे एक व्यूवर है गीजू पवार, उनका कमेंट आया था कि सुनने में आया है कि पंजाब मेल को नवंबर में जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से कोटकपूरा से चलाया जा सकता है। तो गीजू से आपको बता दूं, ऐसा अभी कोई काम जो है हुआ नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जब तक फिरोजपुर तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता तब तक उसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कोटकपूरा से नहीं दिया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बढ़ने के बाद आप जो है वो ब्रैकेट्स के जो है वो वर्टिकल पोल देख रहे हैं और यहाँ काम किया जा चुका है। सामने जो आप वायरिंग देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है, जहाँ से 2 लाइनें जो है वो आती हैं पैरलर और ये जाती हैं मुक्सर के रास्ते फाजिलका तक। एक लाइन जो है वो लूप लाइन के सहारे आती हुई फिरोजपुर सेक्शन में मिलती है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइनों को जो है वो सिंगल सिंगल पोल के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की सप्लाई OH सप्लाई दी जा चुकी है। और ये सेक्शन देखिए आप, पूरा जो है वायरिंग का काम मुक्सर वाली लाइन से जो है कम्प्लीट किया जा चुका है कोटकपूरा में। अडानी स्टोर की तरफ अगर कोटकपूरा से फरीदपुर बढ़ते हैं तो सिंगल पोल मिलते हैं और ज्ञानी जैल सिंह संधौर रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही आपको सिंगल पोल मिलेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन प्लेटफॉर्म से जैसे ही आप बाहर बढ़ते हैं यार्ड की तरफ तो कुछ पोल के ऊपर OH आपको मिल जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ है। और बात करूँ अगर मैं गोलेवाला रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट तो बन गई है, मास्ट लगी है, एसटीबीटी भी लगी है, लेकिन वायरिंग का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। और लास्ट रेलवे स्टेशन इस सेक्शन पर जो पड़ता है वो पड़ता है कासूबेगूर। कासूबेगूर में भी आप देख सकते हैं केवल प्लेटफॉर्म के ऊपर फाउंडेशन बनाए गए हैं, पोल की सप्लाई हो चुकी है, लेकिन पोल के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाने का या उनको फिक्स करने का काम खड्डों में शुरू नहीं किया गया है। और ये पहला फाउंडेशन मुझे जो है वो फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन यार्ड के अंदर मिला है, जो बिल्कुल वाशिंग लाइन के बिल्कुल समीप ही बनाया गया है। और इस तरह आप देख सकते हैं इस तरफ लुधियाना, बठिंडा और जलंधर तीनों सेक्शन से लाइन आती है, साथ ही साथ 2 लाइनें जो है वो वाशिंग लाइन की तरफ से आती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिंगल पोल लगाने के लिए जो है वो फाउंडेशन बनाए जा चुके हैं, पहले कच्चे बनाए होंगे लेकिन अब इनको पक्का भी किया जा चुका है। तो काफ़ी सारा काम यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। सामने देखिए आप कि इस तरफ जो है वो सिंगल सिंगल पोल के लिए ब्रैकेट बनाए जा चुके हैं, रेलवे स्टेडियम की दीवार के साथ भी काफ़ी पीछे तक जो है वो फाउंडेशन बनाने का काम लगातार चल रहा है। अगर फरीदकोट रेलवे स्टेशन की बात करूं, मैंने आपको बताया तो 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन के अंदर केवल वहाँ वर्टिकल पोल लगाए गए हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर नहीं लगाए गए, ना एसटीबीटी लगाई गई है। अंडरपास के पास से निकलते हैं अगर फिरोजपुर कैंट यार्ड के अंदर, तो यहाँ पर भी आप देख सकें मिक्सर सामने पड़ा है, बिल्डिंग मटेरियल का काफ़ी सामान पड़ा है और सामने जो है वो पुराना या आप गुड्स यार्ड कह सकते हैं, तो गुड्स यार्ड के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर काफ़ी सारा बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है। तो यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब यहाँ बड़े ब्रैकेट्स के लिए बड़े फाउंडेशन बनाए जाएंगे और फिर एक एक ब्रैकेट से 3-4 हो सकते हैं कि 5 से 6 लाइनों को भी जो है लगातार एक ही OH से कवर कर दिया गया जाए, क्योंकि बीच में बार बार पोल लगाने में दिक्कत आती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है यहाँ पर जो वायरिंग का काम जो है वो अंडरग्राउंड किया जाता है सिग्नलिंग के लिए। और सामने भी आप देख चुके हैं काफ़ी सारी लेबर वहाँ पे लगी हुई है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्रैक है उसको अपग्रेड भी किया जा रहा है, यानी कुछ लेबर मुझे मिली जो कि पत्थर वगैरह जो है गिट्टी वगैरह उसको भी सेट कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े फाउंडेशन के लिए मिक्सर चल रहा है और इसके अंदर जो वर्कर हैं वो बिल्डिंग मटेरियल डाल रहे हैं। तो फिरोजपुर कैंट के अंदर कह सकते हैं कि काम शुरू हो चुका है यार्ड के अंदर और जल्द ही प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको जो है वो फाउंडेशन के लिए खड्डे खोदने का काम मिल सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे मुझे ऐसा देखने को जो है वो मिला नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट थी कोटकपूरा से बठिंडा में। तो आप जानते हैं कि वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है, केवल रोमाना अलबेल सिंह में SSP का काम चल रहा है। बाकी कोटकपूरा से फिरोजपुर की तरफ क्या कंडीशन थी उसको मैंने आपको बिल्कुल जो है वो करंट बता दिया है 3 नवंबर 2022 के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज को भी जो है वो ऊंचा उठा दिया गया, जैक लगे हुए हैं। अब स्टेप बनाने का काम जो है वो अंतिम चरण में है और बाहर कॉलोनी को रेलवे के ग्राउंड से रेलवे की पेरीफेरी से जोड़ने वाला फुट ओवर ब्रिज के अंदर भी आप देख सकते हैं स्टेप बनाने का काम जो है वो अंतिम चरण में है। तो ये छोटी सी अपडेट कोटकपूरा से फिरोजपुर के बीच में फरीदकोट के रास्ते इलेक्ट्रिफिकेशन की लेटेस्ट अपडेट को लेकर और फिरोजपुर यार्ड में कितना काम शुरू हो चुका है। अगर ये छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से संबंधित कोई इंक्वायरी सुझाव तो आप मुझे कमेंट करें। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेलवे से संबंधित ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे रेलवे किसी नई अपडेट में। जय हिंद।